पुलिस में शहीद जवानों की याद में आज लखनऊ पुलिस लाइन में स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में पुलिसकर्मियों के योगदान पर जोर दिया। आज हम सभी पुलिस स्मृति दिवस के गर्म अवसर पर अपने उन सभी बहादुर पुलिसकर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर ने भी पिछले एक साल में शहीद हुए प्रदेश के 117 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल सभी हुई घोषणाओं को पूरा किया जाएगा, साथ ही सरकार पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगी है। आज अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस युक्त पेट्रोल वाहन व अन्य आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित कंट्रोल रूम का महत्व अधिक बढ़ गया है। इसकी शुरुआत प्रदेश में कानपुर नगर से की गई है। शीघ्र ही 3 अन्य महानगर इलाहाबाद, लखनऊ एवं गाजियाबाद में भी पुलिस कंट्रोल रूम की शुरुआत कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने माना कि बदलते समय के साथ पुलिस को ही बदल जाना चाहिए। आज की जरूरत है सारी सुख सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम, जो कानपुर के बाद इलाहाबाद, लखनऊ और गाजियाबाद में भी बनाया जाएगा। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।